महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र नागपुर। भाई ये देखिए आप लोग ना, लंगर में ना पान भी मिल रहा है यहाँ पे, क्या भाई सब बढ़िया बात है। ये देखिए जी, ये आपको मिल रही है जी रुमाली रोटी, ये देखिए जी आप यहाँ पर बढ़िया कड़ा हुआ केसर वाला दूध मिल रहा है। ये देखिए जी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए उत्पम बनाए जा रहे हैं, और देखिए बच्चा भी यहाँ पर सेवा कर रहा है। कितने तमाचा उन लोगों पे है जो ना पैदल नहीं जाते, जो घोड़ों पे चढ़ चढ़ के जाते। हर हर महादेव भाई सभी भक्तों को, इस समय मैं हूँ अमरनाथ यात्रा पर 2024 में बालटाल की तरफ मैं इस समय उपस्थित हूँ, और आपको भी फिलहाल मैं बालटाल पर लेकर चलूँगा, जितने भी यहाँ पर भंडारे हैं वहाँ पर लेकर चलूँगा, और दिखाऊँगा भाई भंडारों में क्या कुछ व्यंजन है, क्या कुछ यहाँ पर प्रसाद में बना है। क्योंकि ये वो भंडारे होते हैं जहाँ पर 5-स्टार होटल भी फेल हो जाता है, यहाँ पर बड़े बड़े शेफ भी फेल हो जाते हैं, ऐसा प्रसाद का स्वाद होता है, और इतनी तरीके के यहाँ पर व्यंजन होते हैं खाने के लिए। तो चलते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हर हर महादेव लिखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भाई अभी फिलहाल मैं बालटाल के भंडारे पर खड़ा हूँ, यहाँ पर त्रिनेत्र भंडारा है, त्रिनेत्र समिति वालों का भंडारा है, और भाई यहाँ पर अंदर चल के देखेंगे क्या कुछ बना हुआ है। तो एक बार चलते हैं, और यहाँ पर सारे सेवक दल लगे हुए हैं, तो एक बार चल के देखते हैं अंदर भाई, क्या भीड़ बहुत होने वाली है। ठीक है, ये देखो भाई सब लाइन यहीं से लगी हुई है। चलते हैं जी, एक बार आपको लेके चलता हूँ मैं, आ जाओ भाई एक बार भंडारे में लेके चलता हूँ मैं आपको, क्या कुछ यहाँ पर मिल रहा है। देखो भाई तरीके से लाइन लगी हुई है प्रॉपर, और जय भोले बोलते बोलते सब लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। ये देखिए जी, ये देख सकते हो जी लाइन लगी हुई है यहाँ पर लंबी, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो जी प्लेट का पूरा सिस्टम है, ऐसे लगता है जैसे शादी में आए हुए हैं। यहाँ पर देखो भाई, जय बोले जय बोले, बहुत बढ़िया एक नंबर। कहाँ से? जय बोले महाराष्ट्र। अच्छा महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र नागपुर। पहली बार आए हो क्या? पहली बार आए। कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया, बढ़िया लग रहा है। बहुत नागपुर से, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तारीफ कोई उतनी कम है, बहुत बढ़िया। दर्शन हुए हजारों साल, दर्शन हुए आपको? दर्शन, दर्शन होने के, होने के। बालटाल से जा रहे हैं। ये देखो भाई अंकल जी की उम्र भी देख रहे हो, कम से कम 70 वर्ष के आसपास की उम्र लग रही है। अंकल जी आपकी उम्र कितनी है? 67 की भाई उम्र है अंकल जी की। और अंकल बालटाल से जाएंगे, पैदल जाओगे अंकल, घोड़े से जाओगे? पैदल जाएंगे। देखो भाई, देखो ये तमाचा उन लोगों पे है जो ना पैदल नहीं जाते, जो घोड़ों पे चढ़ चढ़ के जाते हैं। 70 साल के हमारे अंकल जी हैं। और देखो भाई बालटाल की यात्रा पर आ चुके हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर देखो व्यंजन दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए चावल दिया जा रहा है भक्तों को, और यहाँ पर देखिए सेवा जो हो रही है। यहाँ पर देखिए दाल बनी है आज, ये देखिए दाल बनी है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। ये क्या बना है सर जी? मिक्स वेज है, ये देखो मिक्स वेज बनी है। और इस तरीके से देखिए भक्तों को यहाँ पर परोसा जा रहा है, और देखिए यहाँ पर क्या बात है जी, क्या प्यारा सा कलर आ चुका है हलवे पे। ये देखो आप हलवा देखो भाई, क्या प्यारा सा कलर है। जय बोले सर, जय बोले। ये देखो भाई भक्तों को यहाँ पर देखो रोटी भी दे दी गई है। ये देखिए जी आप, यहाँ पर देखिए रोटियाँ बन चुकी हैं, रोटी आ रही हैं भक्तों के लिए। और ये भाई सबसे प्लस पॉइंट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो सब लोगों को बैठा के खिलाया जा रहा है, ये नहीं कि आदमी को खड़े खड़े खाना है। भाई ऐसा भंडारा आपने शायद ही कभी देखा होगा, आप बताओ मुझे कमेंट करके किस किस ने भाई ये भंडारा इससे पहले कभी देखा है। और भाई यहाँ पर देखो भक्त किस प्रकार यहाँ पर भंडारे का आनंद ले रहे हैं, और मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। और यहाँ पर देखो यहाँ पर गिलास भर भर के जा रहे हैं सब लोग भाई, लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखो सेवा की जा रही है भाई, ये देखिए थालियाँ साफ़ की जा रही है, हाइजीनिक तरीके से यहाँ पर लंगर परोसा जा रहा है, भंडारा परोसा जा रहा है सभी को, ये आप देख सकते हैं जी। यहाँ पर देखो भाई लोग कैसे बैठ के यहाँ पर भोजन देख रहे हैं। और भाई मेन बात पता क्या है, यहाँ पर बैठे बैठे आपको दोबारा से खाना मिल जाता है, यानी कि लंगर जो है आपको खड़े होकर दोबारा नहीं लेना, कुछ कम पड़ गया तो यहीं पर आके दे देते हैं, इस भंडारे की सबसे बढ़िया बात है। आंटी जी जय श्री राम, कहाँ से हैं आंटी जी आप? आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से हैं, आपके दर्शन हो गए, जाना है दर्शन के लिए? नहीं नहीं, टुडे ओनली वी केम। हाँ जी, टुडे ओनली वी केम। ओके, आप यहाँ पर आए कल? आज ही, आज ही आए, कल जाएंगे दर्शन के लिए। यस। अभी तक का अनुभव कैसा है? हाउ इज योर एक्सपीरियंस राइट नाउ? इट्स वेरी नाइस, गुड। यस। रेटिंग कितना करना चाहेंगे? 10 out of 10। तो आंटी जी ने यहाँ पर 10 out of 10 रेटिंग की है, और हैदराबाद से हैं तो थोड़ा हिंदी बोलने में तकलीफ में है जी। लंगर में जितने भी घोड़े खच्चर वाले होते हैं, पिट्ठू पालकी वाले होते हैं ना, ये सब भी यहाँ पर लंगर चकरे होते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, लंगर चकरे हैं, क्या बात है। यहाँ पर देखिए जी, ये भी लंगर चकरे हैं, इन्होंने प्रसाद लिया है भोले बाबा का,
ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है भोले बाबा की यात्रा की, भाई सबको यहाँ पर एक समान लंगर में ट्रीट किया जाता है, ये सबसे बढ़िया बात होती है। और यहाँ पर देखिए हमारे भोले बाबा की प्यारी सी प्रतिमा, यहाँ पर देखिए भक्तगण इनके साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखो और भी चीज़ें हैं, एक बार खाना खा लो तो उसके बाद ये भी ख़त्म नहीं होता आपका लंगर। देखो यहाँ पर देखो पेठे के यहाँ पर ये बाइट्स बनाई हुई हैं, छोटी छोटी टॉफ़ी टाइप की बनाई हुई हैं पेठे की, अलग अलग तरीके की हैं, क्या शानदार। यहाँ पर देखिए आंवले का मुरब्बा, और यहाँ पर देखिए आप सौंफ बनाई हुई है पेट को स्वस्थ बढ़िया रखने के लिए, ये देखिए हाजमे के लिए बढ़िया है, मतलब खाते रहो बढ़िया। जय बोलेगी, जय बोलेगी। क्या नाम है आपका? आशीष। आप कितने साल के हैं? 8 साल का। 8 साल के हैं। तो अच्छा लगता है यहाँ पर सेवा करना? बहुत खूब अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। तो आपका फर्स्ट टाइम है या पहले भी करते रहे हैं? फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम है। एक बार हरे महादेव कह दो सबको। हरे महादेव। तो देखो कितना प्यारा सा हमारा बच्चा है और भक्तों की सेवा कर रहा है भाई, मतलब 20-25 तरीके की यहाँ पर देख रहे हैं ये कटोरियाँ रखी हुई हैं, प्लेट्स रखी हुई हैं, यहाँ पर भक्तों को ऐसे हाजमे के लिए चीज़ें दी जा रही हैं जिससे कि खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। देखिए भगवान जी की यहाँ पर प्रतिमा रखी हुई है, ये देखिए हमारे प्रभु श्री राम सामने देख सकते हैं, यहाँ पर पार्वती माता शिव जी के संग अपने पूरे परिवार के संग, कार्तिकेय जी, गणेश जी यहाँ पर है, हमारे खाटू श्याम जी यहाँ पर, कान्हा जी, पूरा यहाँ पर दरबार सजाया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। हनुमान जी यहाँ पर है, सर जी यहाँ पर सारी देख रेख करते हैं भंडारे की। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय ठाकुर। अच्छा संजय जी, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं भंडारे में, सेवा कितने सालों से कर रहे हैं आप लोग? ये काम नहीं है, सेवा है भाई, मैं कह रहा हूँ कितने सालों से आप सेवा कर रहे हैं? ये सेवा पिछले 26 सालों से हो रही है। 26 सालों से, और 29वां साल है ये मेरा यहाँ पर यात्रा पे। अच्छा। और 92 में पहली यात्रा थी। अच्छा। और 2000 के अंदर हमारा ये 2099 शायद ये पहला लंगर स्टार्ट। ये सेवा करके कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सेवा करके। मैं हरीश नागपाल भंडारे के अंदर उप प्रधान की हैसियत। अच्छा। से और इस भंडारे को चलाते हुए हमें 26 साल हो गए हैं जी। 26 साल से पहले जब यहाँ 1 साल पहले आए थे तब हम लोगों ने देखा भाई यहाँ पे कोई लंगर इतना ज़्यादा नहीं चलता है। लोगों से एक एक चीज़ का पैसा बहुत कॉस्टली लिया जाता था। अच्छा। तो हम सब ने मिल करके, संजय भाई ने, हम सब ने मिल करके इसको एक बीड़ा उठाया कि भाई अगले साल हम इसका एक लंगर लेके आएंगे यहाँ पे जी। फिर हम वहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर यहाँ हम लोगों ने नीचे, आज तो यहाँ टेबल है, उस टाइम पे टेबल नहीं थी, नीचे बैठा करके खिलाते थे। अच्छा। अपने हाथ से हम बर्तन धोते थे ठंड के अंदर, बीमार पड़ जाते थे, टीन शेड खुद लगाते थे अपने हाथ से। क्या बात है। और बाबा ने ऐसी कृपा करी 26 सालों के अंदर कि हम 29 करते हुए आगे पहुंच गए। भाई यहाँ पर देखो आप भीड़ देख रहे हो बालटाल में कितनी है, और ये सारी भीड़ ना श्रद्धालुओं की है, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना वहाँ तक आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ है यहाँ पर। और शायद मैं भी आपको सही से चमकना हूँ, इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। अब चलते हैं ना दूसरे भंडारे की तरफ और देखते हैं भाई दूसरे भंडारे में क्या कुछ रहने वाला है और वहाँ पर प्रसाद में क्या कुछ भक्तों के लिए परोसा जा रहा है। एक बार आपको लेकर चलते हैं, यहाँ के शाही लंगर दिखाते हैं भाई, ऐसा लंगर आपने कहीं नहीं देखे होंगे। शादी फेल, इसके सामने 5-स्टार होटल फेल, और जो टेस्ट है बड़े बड़े शेफ ऐसा टेस्ट नहीं दे सकते, तो इसलिए आपको लेकर चलते हैं भाई अंदर। तो फिलहाल देखो भाई भंडारे में आ चुके हैं, अंदर लेके चलते हैं, आ जाइए और दिखाते हैं यहाँ पर देखो क्या क्या भक्तों को परोसा जा रहा है। ये देख सकते हो भाई कितने लार्ज स्केल पर यहाँ पर गरम गरम दूध है, और ये मावे वाला दूध है, खोए वाला दूध है, और भाई क्या ही स्वादिष्ट यहाँ पर देखो किस तरीके से परोसा जा रहा है। ये आप देखिए जी क्या बेहतरीन तरीके से ये आपको दिया जा रहा है। बाबा का प्रसाद समझ कर भक्त लेते हैं और बाबा का प्रसाद देकर ही ये परोसते भी हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको आगे दिखाते हैं आगे और क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए उत्पम बनाए जा रहे हैं, और देखिए बच्चा भी यहाँ पर सेवा कर रहा है। कितने ओनर है? अच्छा ओनर है। कितने कितने साल के बेटा? मैं कितने साल के हो? 11। हाँ 11 साल के। देखो 11 साल का बच्चा ही भाई यहाँ पे सेवा कर रहा है, कितने क्यूट क्यूट से बच्चे हैं। माँ बाप ये सिखाएं अपने बच्चों को तो कितना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। और चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और दिखाते हैं यहाँ पर और क्या क्या परोसा जा रहा है भाई। यहाँ पर देखिए जी हलवा परोसा जा रहा है, ये देख सकते हैं जी हलवा यहाँ पर भक्तों को दिया जा रहा है, देसी घी का स्वादिष्ट बढ़िया हलवा, क्या बात है। और यहाँ पर देखिए क्या रोटी दी जा रही है, यहाँ पर देख सकते हैं जी रायता है ये, और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दाल दी जा रही है। जय बोलेगी। ये देखिए जी यहाँ पर राजमा दी जा रही है भक्तों को, स्वादिष्ट पूरा यहाँ पर भाई व्यंजन दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर राजमा दी जा रहे हैं भाई, और इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए
मिक्स वेज की सब्जी दी जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए सांबर टाइप का दिया जा रहा है कुछ। और यहाँ पर देखिए चावल आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए खिचड़ी दी जा रही है भाई भक्तों को। क्या बढ़िया यहाँ पर व्यंजन दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ये सोया चाप दी जा रही है यहाँ पर भक्तों को भाई। और यहाँ पर देखिए भाई, क्या बढ़िया बढ़िया व्यंजन दिए जा रहे हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते वो यहाँ पर मिलता है आपको। ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर उत्पम दिया जा रहा है, यहाँ पर देखिए कचरी दी जा रही है। और यहाँ पर देखो भाई, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। जय बोले, जय बोले। अरे महादेव, अरे कहाँ से आए आप? मुंबई। मुंबई से पहली बार आए हो? हाँ। अभी दर्शन हुए नहीं हुए? नहीं हुए अभी। नहीं हुए? नहीं। भाई दर्शन नहीं हुए, इतना जोश है, दर्शन होके कितना जोश होगा। ठीक है भाई, सही है। मतलब भक्तों का देखो, वहाँ पर डांस चल रहा है, भक्तों का अलग ही है। ये देखो वहाँ पर डांस चल रहा है, यहाँ पर बैठने की पूरी व्यवस्था है। ठीक है, और भाई ऐसे यहाँ पर पूरे लंगर चलते हैं, यहाँ पर सारे भंडारे चलते हैं। तो भाई फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ जलंधर वालों के भंडारे में, और ऐसे ऐसे भाई बहुत सारे भंडारे हैं, गिनती भी नहीं है उनकी। एक बार अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई भंडारे वालों के पास यहाँ पर क्या क्या भक्तों के लिए है। ये देखिए जी, यहाँ पर सबसे पहले आपको भोले भंडारी जी के दर्शन हो जाते हैं, और फिर एक बार हम अंदर चलते हैं यहाँ से। तो भाई अभी भंडारे के अंदर लेके चलता हूँ और दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ भक्तों को परोसा जा रहा है। ये देखिए जी, यहाँ पर पहले थाली सिस्टम है ठीक वैसे ही। और यहाँ पर देखो भक्तों को लंगर में दिए जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए चावल दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए पनीर की सब्जी भी दी जा रही है। ये देख सकते हो जी आप, पनीर की सब्जी यहाँ पर है। और यहाँ पर देख सकते हो जी, मिक्स वेज भक्तों को दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए खीर दी जा रही है भक्तों को, क्या बात है जी। ये देख सकते हैं आलू मटर भी है यहाँ पर, और भाई यहाँ पर देखिए मिक्स वेज भी है। जय बोले सर, जय बोले, जय बोले, जय बोले, बम बम बोले। कितने साल से लगा रहे हो लंगर आप लोग? 25 साल है जी ये। बम बम बोले। तो भाई देखो, रोटी रोटी पे ना यहाँ पे कम से कम 5-6 लोग लगे हुए हैं। आप देख लो यहाँ पे, गिन लो, एक भाई ये रे, और यहाँ पर दो भाई और दो भाई, ऐसे करके देखो। रोटी रोटी पे जहाँ पे सिर्फ 5-6 लोग लग रहे हो, तो भाई अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर भक्तों की क्या तादाद रहती होगी और क्या भीड़ रहती होगी। और लेकर चलते हैं भाई थोड़ा सा आगे आपको। यहाँ पर देखो भाई, बैठने की बढ़िया व्यवस्था है, और क्या सही वातावरण है, और शुद्ध शाकाहारी बढ़िया भोजन यहाँ पर भक्तों को मिलता है। और ऐसा नहीं कि कोई आपको मतलब जो भोजन मिल रहा है बहुत ही सामान्य सा भोजन मिल रहा है भाई, जो आप सोच नहीं सकते वो मिल रहा है। देखो यहाँ पर बढ़िया कड़ा हुआ केसर वाला दूध मिल रहा है। ये देखिए जी, यहाँ पर केसर वाला बढ़िया दूध दिया है। बस जी, जय बोले। देसी घी बादाम सब डला है, सारे इसमें मेवे डले हैं भाई, देसी घी बादाम डले हैं। अब आप बताइए ऐसा कौन सा लंगर है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये हमारे भोले बाबा के लंगर हैं अमरनाथ यात्रा पर, जहाँ पर आपको सिर्फ एकमात्र ऐसी जगह है आपको ऐसे लंगर देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई अभी तक हम आपको 3 लंगर दिखा चुके हैं, इसमें ही देखिए वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है, तो आगे ले चलते हैं आपको। तो भाई अभी हम दिल्ली वालों के भंडारे में जा रहे हैं और दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ है भाई, भीड़ चरम सीमा पर है। चलते हैं एक बार, आ जाइए। और यहाँ पर देखो भाई, भीड़ देखो, क्या भयंकर भीड़ है भाई भक्तों की यहाँ पर। ये देख सकते हैं भाई, क्या यहाँ पर बढ़िया सजावट है, भव्य सजावट। और भाई भीड़ देखो यहाँ पर भक्त, जय बोले, बम बम बोले। कितने सालों से चल रहा है भंडारा आपका? 26वां है। 26वां भंडारा है आपका, यानी कि 25 साल के भंडारे कर चुके हैं, 26वां भंडारा है। तो ये भोले बाबा की कृपा कैसी हुई आप पे? जय बोले, जय बोले, जय बोले। जयकारा तो लगा दो, बम बम बोले। तो भाई अभी भंडारे में अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कुछ है यहाँ पर भंडारे में, दिखा देते हैं आपको। ये देखिए जी, भंडारा यहाँ पर फुल हो रखा है। और ये देखिए, भंडारे में घुसते ही गरम गरम दूध है यहाँ पे, मेवे वाला। ये देखो जी, मेवे वाला गरम गरम दूध है, क्या बात है, यहाँ पर सेवा चल रही है, आ जाओ। तो भाई देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इस भंडारे में, यहाँ पर सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ पर देखो बाल्टियों में ऐसे व्यंजन है, जैसे यहाँ पर देखिए मिक्स वेज की सब्जी है, ये चावल आ गए हैं, देखिए दाल है, यहाँ पर देखिए रोटी आ चुकी है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये पेटे की मिठाई है, देखिए मीठा भी है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये है तंदूर वाली रोटी है। तो यहाँ पर सिस्टम क्या है, बैठा के खिलाते हैं, यहाँ पर लाइन में नहीं लगना पड़ता। ये आप देख लो, सारे लोग बैठ के खा रहे हैं। और भी कुछ व्यंजन है जो बाल्टियाँ वहाँ पर गई हुई है, वो आप देख रहे हो, व्यंजन भाई बहुत हैं। मैं कह रहा हूँ भंडारा ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा जिंदगी में। दूसरे भंडारे में आ चुका हूँ यहाँ पर भाई, मैं भी लंगर चुनने वाला हूँ, क्योंकि भाई बड़ा मन कर गया इतना खाता देखिए। यहाँ पर देखो दूध वगैरह मिल रहा है, और आगे मक्के की रोटी, सरसों का साग वगैरह, आम मिल रहा है भाई, क्या कुछ मिल रहा है दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, यहाँ पर देखिए क्या कुछ मिल रहा है, लाइन में लगे हुए हैं। देखिए जी, यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलने वाली थाली, और यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं, थाली दे रहे हैं सब भक्तों को। जय भोले,
जय भोले जय भोले। ये देखिए जी यहाँ पर आ रहे हैं जी चावल, थोड़े से चावल लेने वाले हैं, थोड़े से देना आप, थोड़े से बस 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 बहुत बहुत। ये देखिए जी चावल तो हमने ले लिए। अब यहाँ पर देखिए ये राजमा है, जय भोले। ये देखो जी हमारे राजमा आ चुके हैं। बस जी यहाँ पर देखिए साग दे रहा छोटा सा प्यार सा बच्चा, अरे वेरी गुड जय भोले। तो कितने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। ये देखिए जी यहाँ पर मक्के की रोटी हमारी आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं जी। और यहाँ पर देखिए मिल रहा है आम, क्या बात है। देखिए यहाँ पर आम की फाग आ चुकी है, जय भोले की। लंगर में क्या क्या मिला है यहाँ पर देखिए, मिल चुकी है दाल, ये सरसों का साग, आम, मक्के की रोटी मिल चुकी है, चावल है, और यहाँ पर देखिए राजमा आ चुके हैं भाई, बहुत ही स्वादिष्ट, और मुंह में पानी आ रहा है। तो एक बार शांत चखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे जी। भाई देखिए मैं एक और नए भंडारे में आऊँ, यहाँ पर आप देखिए क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर देखिए तंदूर की रोटी मिल रही है, ये देखिए इस पे देसी घी लगाया जा रहा है, क्या बात है। यह आपको मिल रही है जी रुमाली रोटी, ये देखिए जी आपको यहाँ पर भंडारे में रुमाली रोटी मिल रही है, कितनी बड़ी बात है। और इस पे भी देखिए घी वगैरह लगाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लोग भाई लाइनों में लगे हुए हैं, और यहाँ पर लंगर परोसा जा रहा है, भंडारा दिया जा रहा है। ये देखिए जी चावल यहाँ पर है भक्तों के लिए, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए खिचड़ी है ये, और यहाँ पर आपको ये गट्टे की सब्जी मिल रही है, और यहाँ पर दाल मिल रही है आपको, और ये देखिए आपकी सेवई हो जाती है, ये देखिए क्या भाई साहब बढ़िया। यहाँ पर लंगर चल रहा है, जय भोले सर। भाई ये देखिए आप लोग ना लंगर में ना पान भी मिल रहा है यहाँ पे, क्या भाई साहब बढ़िया बात है। ये देखिए जी यहाँ पर आपको मीठा पान दिया जा रहा है, जिससे आपका जो भोजन है वो पच जाए। क्या बढ़िया चीज़ है भाई साहब, ये देखिए। और भाई लंगर में भीड़ भी देखिए बढ़िया बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। भाई आशा करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आई होगी, दिखाने के लिए तो बहुत सारे भंडारे हैं, मैं कह रहा हूँ वीडियो छोटी पड़ जाएगी, इतने ज़्यादा भंडारे हैं। और क्या करूँ मैं, जितने भंडारे दिखा पाया सच में भाई मज़ा आ गया। अभी हमने जिस भंडारे में प्रसाद चखा भाई दिल खुश हो गया, मक्के की रोटी, सरसों का साग, साथ में आम और पता नहीं क्या कुछ मिल रहा था। तो भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और सभी लिख दें हर हर महादेव, और बताइएगा ज़रूर आप महादेव के दर्शन पहले कर चुके हैं तो, या फिर कब करने आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।